अम्बाला जेआरपी थाने में एक महिला ने फोन करके असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की बात कही। इसके बाद जेआरपी अलर्ट मोड में आ गई। सभी जगह के थानों पर फोन करके अलर्ट रहने को कहा गया है। जेआरपी के डीएसपी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर साइबर क्राइम को जांच सौंप दी गई है। अम्बाला जीआरपी थाने में एक महिला ने फोन कर असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की बात कही है। हालांकि कौन सी रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा इस बारे में वो खुद नहीं जानती। आपको बता दें कि अम्बाला में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अम्बाला रेलवे स्टेशन सहित कई जगह को उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। कई बार धमकियां भी आ चुकी है जिनकी जांच अभी तक जारी है। महिला के फोन के बाद जीआरपी थाने में हड़कंप मच गया और इस फोन की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। फोन करने वाली महिला ने अपना नाम, पहचान और पता नहीं बताया। दोबारा उस नंबर पर फोन करने के बाद पता चला कि यह नंबर मौजूद ही नहीं है। वहीं जीआरपी के डीएसपी धीरज कुमार के मुताबिक यह मामला साइबर क्राइम को दिया गया है क्योंकि यह कॉल सॉफ्टवेयर से लिंक लगती है। किसी अज्ञात लेडी का फोन आया था, इसको अम्बाला थाने के मुंशी ने रिसीव किया था। वो यही बता रही थी कि उसको कहीं से पता चला है कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा। कहाँ का रेलवे ट्रैक उड़ाया जाएगा इस बारे में उसने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था किसी भी तरह का। तो इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जिसकी तफ्तीश जारी है, साइबर सेल लगी हुई है। एसएचओ साहब अपने निगरानी में ये सारी तफ्तीश करवा रहे हैं मेरी सुपरविजन में, तो जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल जीआरपी ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर टीम गठित कर दी है जो इस अज्ञात कॉल का पता लगाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले की जांच कर इसका खुलासा करती है। कृष्णवाली, टोटल न्यूज, अम्बाला।